नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन और आप देख रहे हैं ऑट्रे टीवी। ऑट्रे टीवी और सेमी फाउंडेशन हमेशा से ही वुमेन्स वेलफेयर और चाइल्ड एजुकेशन के लिए काम करता आया है और आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड एक इंटरव्यू, जिसमें आप जानेंगे कि आखिर देश में चाइल्ड एजुकेशन स्पेशली गवर्नमेंट में क्या सिस्टम चल रहा है। तो इसी के साथ ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं डॉक्टर संदीप कुमार जी। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि 2014 में जो आदर्श योजना जो मोदी जी लेकर आए थे, जिसके तहत सांसदों को एक एक गांव को गोद लिया था और जिसका मेन मोटो ये था कि वहां के स्कूल्स की कंडीशन जो है वो पहले से बेहतर हो सके, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा हुआ है वाकई में, वहां के स्कूल्स की कंडीशन बेहतर हुई है? दरअसल बात 2014 में जब मोदी जी ने अपने पहले कार्यकाल में जब ये पहल किया था, काफी सराहनीय पहल था, सारे देश में इसका स्वागत हुआ था, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि अगर 5 साल के कार्यकाल में अगर कोई भी विधायक एक गांव को लेता है, गोद लेता है और उसके विकास के लिए कार्य करता है, तो जाहिर सी बात है 5 साल के बाद उस गांव की पूरी कायाकल्प चेंज हो जाए, बदल जाए। लेकिन शुरुआती दौर में मोदी जी ने जब बनारस के करीब एक कोई गांव है, मैं मिस कर रहा हूँ, उसको गोद लिया था, उसके बाद काफी विधायकों ने, उनके मंत्री ने काफी कुछ मतलब पहल करते हुए एक दो गांव को गोद लिया, लेकिन आज स्थिति वैसी की वैसी। शुरुआती दौर में सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए अगर आप सिर्फ ये कोशिश करते हैं तो ये ग्राउंड लेवल की बात कर ले, जमीनी स्तर पे ये सक्सेस नहीं होता है। आपको सक्सेस करने के लिए चीजों को उससे जोड़ने की। सर, आप कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, धीरे धीरे सरकार जो है वो नई चीजें लेकर आ रही है, लेकिन कहीं विकास दिख तो नहीं रहा है, क्योंकि सरकारी स्कूल में अगर हम जाएं तो अभी एक ही क्लास में 3 अलग अलग क्लासेस के बच्चे बैठे होंगे और एक ही टीचर्स उनको पढ़ा रही होंगे, तो विकास कहाँ है सर? स्कूल्स में अभी भी सर पानी नहीं आ रहा है, प्रॉपर लाइट्स नहीं है सर। क्वालिटी क्या है और क्या चेंजेस लाने हैं, वहाँ पे आपको जाना होगा, उस चीज को समझना होगा। सिर्फ जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट द्वारा ऐसे पहल किए जाते हैं जिसमें क्या होता है कि कुछ दिन मीडिया में हाईलाइट होती है और चीजें फिर धूमिल हो जाती है, या फिर लाइमलाइट से मीडिया पे उस चीज का फॉलो अप लेना बंद कर देता है और वो गायब हो जाता है। लेकिन अगर ये काफी सराहनीय कदम था, अगर इस पे होता, अगर इसको प्रॉपर तरीके से किया जाता, तो आप देख रहे हैं कि 2014 के बाद मोदी जी को दूसरा कार्यकाल भी मिला। अगर उसी गांव को लेकर चलते तो आज उस पूरे गांव की पूरे अगर कर दिया जाए, अगर एक एक गांव भी विधायक लिए रहते हैं, गोद लिए रहते हैं और उस पर कार्य करते, तो आज गांव की स्थिति काफी बदल गई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, धरातल लेवल जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ काम नहीं हुआ। मैं किसी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप स्पेशली एजुकेशन की बात करें तो आज भी उस गांव में जाएंगे तो वैसी की वैसी स्थिति। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ दिन पहले मैं टीवी पे देख रहा था, मोदी जी के गांव की बात की जा रही, वहां पे सेम जो मैं वहां गया नहीं हूं, लेकिन जो स्टेटस दिखाया उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में तो बहुत सारी चीजें हुई, लोग यहां आके मतलब कुछ प्राइवेट संस्थान, कुछ उद्योगकर्मी यहां पे आके उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन अब कोई पूछने वाला आगे नहीं। अब रीजन यही है कि क्योंकि प्रधानमंत्री की योजना थी, अगर उसको सही रूप से इस चीज को हर विधायक सही सीरियसली लेके इस चीज को कार्य करते तो गाँव का स्वरूप चेंज, न केवल एजुकेशन, हेल्थ, गांव के पूरे विकास के लिए जितनी भी योजनाएं चलाई जाती हैं, इवन जितना उनके पास फंड आता है, हर विधायक के पास एक फंड दिया जाता है संसद द्वारा कि अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए, अगर उसमें से कुछ भी खर्च करते तो सड़क से लेकर शिक्षा तक हर एक क्षेत्र में अच्छा विकास हो गया। लेकिन अभी ग्राउंड लेवल पर अगर आप जाएंगे तो आपका फाउंडेशन अगर वहां विजिट भी करे तो स्थिति मेरे अकॉर्डिंग वही है जैसा मैंने न्यूज में देखा है, स्थिति ज्यादा स्थिति में कुछ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप कुमार जी आपका हमारे साथ जुड़ने का। और जैसे कि संदीप जी ने कहा अभी कि देश में बदलाव लाने के लिए सरकार के साथ साथ हम सबको और टीचर्स को भी, स्कूल के टीचर्स को भी काफ़ी ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। आशा करते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल जी गवर्नमेंट स्कूल्स की हालतों में सुधार ला रहे हैं, वैसे ही एक दिन पूरे देश में गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। आज का हमारे शो यहीं पर समाप्त होता है, मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, लेकिन अगली बार आऊँगी आपके लिए कुछ और नई ऐसी इंटरव्यूज़ के साथ। नमस्कार।